नहीं बिका या इस टाइप से कुछ प्रॉब्लम आता है? नहीं नहीं, इसमें नहीं आता। ऐसे तो अपना टेस्ट ही एक नंबर है, एक बार खाएगा तो आदमी डबल तिबल रोज आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन सिंह नेवर की ओपिनियन से। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरे डेली जो वीडियोस बिजनेस रिलेटेड डाल रहा हूँ वो देख रहे होंगे। जो भी मैं डालता हूँ वो आपके नॉलेज के लिए मैं डालता हूँ, ताकि आपको नॉलेज मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आप भी वो चीज़ कर सकते हैं। मेरे साथ है मिस्टर लोकेश, जो कि आलू चाप और समोसे के एक रोड साइड दुकान लगाते हैं, है ना। तो चलिए आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि ये कैसे करते क्या है। लोकेश भाई, ये कब से कर रहे हो आप? 2 साल से सर। 2 साल से कर रहे हो। तो लोकेश भाई, ये आपको आइडिया कहाँ से आया ये समोसे का काम? ये सर, अपन लोग दूसरे काम करते थे कैमरा का, सीसीटीवी कैमरा का। हाँ। और वो दूसरे के यहाँ, जब तक अपने खुद को करेंगे तब होगा ठीक। हाँ। क्या दूसरे के यहाँ नहीं जमता अपने को, उससे अच्छा सोचे कि खुद का खोल लेते हैं। हाँ। उसके चलते अपन 1-2 साल दिमाग लगा फिर खोल लिए। आप कितना पढ़े हो लोकेश भाई? मैं 12th पास हूँ। तो आपने 12th के बाद आपने जब यहाँ लगाना चालू किया, तो आपको लगा नहीं कि मेरे को यहाँ नहीं लगाना चाहिए, या मतलब आपके दिमाग में नहीं आया लोग क्या कहेंगे इस टाइप से? नहीं, मैं इस टाइप का सोच नहीं रखता, क्योंकि मैं इस टाइप का सोच रखूँगा फिर वो जो दो लोग सोचेंगे क्या उन लोग मेरा खाने पीने के लिए नहीं दे देंगे। हाँ। इसलिए अपना जो है वो है। हाँ। तो लोकेश भाई, इसको करने के लिए क्या आपने सीखा? नहीं, वो घर में 1-2 बार ऐसी बना के देखे, ट्राई मार के देखे, ताकि हो गया। अच्छा, मतलब आपने ट्राई मार के देखा और ये आ गया? हाँ सर। है ना, बहुत बड़ी बात है दोस्त कि आपने एक हिम्मत दिखाए, है ना। आपको कोई आइडिया दिया इसके बारे? हाँ, सोचता हूँ एक बार, मतलब वो घर में क्या, जब तक दूसरे के यहाँ करेंगे तो दो सुनाएगा, दूसरा 4 बात, अपने क्या 4 बात सुनना नहीं है, उससे खुद का करो, भले 2 पैसा घाटा होगा, 2 पैसा उस दिन और वो बनेगा। हाँ। तो दिन भर में कितना इनकम हो जाता है? मेरा वही हो जाता है 5,000-6,000 देख देख के। हाँ। दिन हिसाब से। हाँ। है ना। आप जब काम करते थे तो कितना सैलरी मिलता था वहाँ? 200-300 मिल जाता था पर डे में ना? पर डे। तो आज आप इतना कर रहे हैं तो बहुत आपने अच्छा डिसीजन लिया है। हाँ, अपने डिसीजन खुश हूँ। कितना मेहनत लगता है इसको करने के लिए? इसमें लगता है, लेकिन उतना भी नहीं लगता, बहुत है, लेकिन जो करेगा उसके लिए नहीं है, जो नहीं करेगा उसके लिए बहुत मेहनत। कितने घंटे काम करते हो उसमें? वही 3-4 घंटा लग जाता है सामान बनाने में, फिर वो तो सामान बिक जाता है, भीड़ तो बहुत रहता है। कितने का बेचते हो ये? ये 15 रुपये प्लेट है अपना, समोसा, आलू चाप, मिर्ची भजिया। तो अभी प्रॉफिट अच्छा खासा हो जा रहा है ना? अभी हो जा रहा है। दोस्त लोग कुछ बोलते हैं तू क्या कर रहा है ऐसा कुछ बोलते नहीं, हैं? दोस्त लोग तो कुछ नहीं बोलते, उन लोग बोलते हैं कि ठीक है अच्छा कर, अपन लोग भी यही करेंगे क्या। उन लोग को भी आप देखेगा तो आदमी तरक्की करेगा तो लगेगा ही। तो इसमें ड्रॉबैक क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या आता आपको, मतलब अगर नहीं बिका या इस टाइप से कुछ प्रॉब्लम आता है? नहीं नहीं, इसमें नहीं आता। वैसे तो अपना टेस्ट ही एक नंबर है, एक बार खाएगा तो आदमी डबल तिबल रोज आएगा। हाँ, अच्छा, टेस्ट बढ़िया है, टेस्ट। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। और दोस्त, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं आपको एक सैल्यूट देता हूँ, जो आप काम कर रहे हो पढ़ाई के बाद, 12th के बाद आपने जॉब, पढ़ाई चल रहा है ऐसे फर्स्ट ईयर। अच्छा, पढ़ भी रहे हो? ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। ये पढ़ भी रहे हैं और ये काम भी कर रहे हैं। देखिए, अगर ये चाहते तो कोई भी ऐसा काम, नशा पानी करके बाहर घूमते रहते, इस टाइम में सब लोग करते ही है, लेकिन इन्होंने एक डिसीज़न लिया कुछ करने का, और इस ये डिसीज़न लेके ये खुद कमा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, इंस्पिरेशन मिला इनसे। सो थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। और दोस्तों, आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं आप भी कर सकते हैं। अगर इनसे कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं इनका नंबर दे दूंगा, अगर आपको कोई भी इस टाइप का कोई फ़ोन करेगा तो आप हेल्प कर सकते हैं। यस सर। है ना, और आपने लोकेशन बता दिए कहाँ पे है? अपना लोकेशन भाटा गांव ओवर ब्रिज, बस स्टैंड के आगे जा, रायपुर। रायपुर, है ना। तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, और आप भी यहाँ पे आ सकते हैं इनके यहाँ खाने के लिए। मैं इनका नंबर दे दूंगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और कभी भी लाइफ में हार मत मानिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को, नेवर गिव अप इंडिया। बाय गाइस, सी यू सून। ठीक है, चलो जाओ, आपका समोसा ख़राब हो जाएगा नहीं तो। जब से स्टार्ट किया है पिछले कोरोना के समय से,
उसके बाद से मैं मतलब निरंतर इनके पास से कंटिन्यू गर्मा गर्म तुरंत निकालते हैं, ताज़ा और स्वाद में भी बहुत अच्छे हैं और सस्ते दाम में भी मतलब दे रहे हैं, तो उतना ज़्यादा वो नहीं लगता है कि मतलब हमें मतलब यहाँ से खाने में कोई प्रॉब्लम हो और स्वाद बहुत अच्छा रहता है। टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, ऊपर से गर्म देते हैं भैया तो काफ़ी अच्छा लगता है ये, और हम लोग आते ही रहते हैं यहाँ पे खाने के लिए क्योंकि प्राइस भी अच्छा है और टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है। आप देख ही सकते हैं जो ये है, ये मिर्चा भजिया जो है यहाँ पे काफ़ी गर्म है और इतने बारिश में बहुत अच्छा है।